हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोगों के ऊपर काम क्यों नहीं सौंपते। होता क्या है कि हर प्रोफेशनल आदमी को, और डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, आर्किटेक्ट रहो, या कोई भी व्यक्ति रहो, वो लोगों के ऊपर काम नहीं सौंपते। या कोई बिजनेसमैन भी रहा कभी भी, या कोई भी व्यक्ति लोगों से काम करवाना नहीं चाह रहा। जैसे हर एक को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूं, जो भी काम उसे करना है वो मैं ही करूंगा, क्योंकि लोग अच्छा काम नहीं करेंगे, मैं करूंगा तो बेहतरीन करूंगा, लोग मेरे इतना हार्डवर्क नहीं करेंगे, लोग मेरे इतना अच्छा काम नहीं करेंगे, लोग मन लगा के नहीं करेंगे, लोग उतना लंबा समय तक नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। और मैं जितना अच्छा करता हूं उतना अच्छा नहीं करेंगे, इसलिए क्या करते लोग कि लोग मुझे नहीं, मैं खुद ही काम कर लूंगा, मुझे काम करना अच्छा आता है, लोग मेरे से अच्छा काम नहीं कर सकते। तो वो होता क्या है कि यदि हमको हमारी जिंदगी में बड़ा होना है, बढ़ना है, तो आपको लोगों के ऊपर काम सौंपना ही पड़ेगा, मतलब डेलीगेट करना ही पड़ेगा। क्यों, खुद कितना काम करेंगे? खुद जब काम करते हैं तो वो हार्ड वर्क हो जाता है, बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम हो जाता है। तो कठोर परिश्रम नहीं, आप बहुत हार्डवर्क करके बहुत बड़ा सक्सेस नहीं। तो हमको सीखना पड़ता है टीम वर्क, एक टीम खड़ी करना है और टीम के माध्यम से, लोगों के माध्यम से काम करवा के लेना है और सफलता हासिल करनी। क्योंकि मैं समझो काम कर रहा हूं अकेला, तो मैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करूंगा, मगर यदि मैं 2-4 लोगों से, 8 लोगों से, 50 लोगों से काम करवा लूंगा, तो हर एक का 8-8 घंटा, ऐसा 400 घंटा मुझे मिल सकता। फिर हम काम क्यों नहीं सोते, ऐसा मालूम है तभी हम काम लोगों के ऊपर क्यों नहीं सोते, ये सवाल है। तो उसमें सबसे बड़ा होता क्या है कि जिनके ऊपर हम काम सौंपते हैं, तो नंबर एक हमने ये करना चाहिए कि वो व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे से ये फीडबैक लेने वाले है, यानी मुझे पूछने वाले है ये काम हुआ कि नहीं हुआ, और ये इतने इतने समय में फीडबैक लेने वाले हैं। मतलब वो इतनी यदि मालूम पड़ा, समझो अभी 8 बजे है रात के, और मैं मेरे उस दिन ऐसे हुआ, मतलब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल, कि मैंने क्या किया कि मेरे एक असिस्टेंट जो है उसको मैंने बोला कि ये जो 4 कॉपीज है ये लेके जा, और इनके अलग अलग हर एक की 2-2 कॉपी जेरोक्स करके ला, फोटो कॉपी करके ला। अब वो गया और 2 घंटा आया नहीं। मैंने उसको बोलने के समय ये नहीं बोला फोटो कॉपी करके लाना, कहां से लाना, कितने समय में लाना, ये उसको बोला नहीं। मैंने सिर्फ बोला कि फोटो कॉपी करके ला। हुआ क्या है कि वो गया बाजू वाले दुकान में फोटो कॉपी के, वो वहां बंद था, तो फिर और कहीं दूर चले गए। फिर दूर वाला जो था फोटो कॉपी करने वाला, वो बोले मैं 2 रुपए पर पेज दूंगा, अभी हमारा जो है उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट 1 रुपए का। फिर बोले नहीं, अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये दुकान जब खुलेगा तब तक मैं रुकता हूँ। दुकान के बाहर खड़ा रहा और 2 घंटे बाद में उसने फोटो कॉपी करवा के लाया। मतलब होता क्या है कि मैंने उसको जब काम सौंपा तो उसको मैंने बोला नहीं कि भाई मुझे इतने इतने समय में ये काम चाहिए, ये काम मैंने तुमको दिया हुआ है, ये मेरे को 30 मिनट में या 15 मिनट में ये मेरे को रिजल्ट होना। मतलब इस तरह का होता है। तो हम लोगों को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते नहीं है, इसलिए फिर लोग काम करते नहीं है, और लोग काम करते नहीं इसलिए हम उनके ऊपर काम सौंपते नहीं। दूसरा ये होता है कि हम जब किसी को बोलते हैं, तब हम जब सिर्फ कम्युनिकेट करते, बोली भाषा में सिर्फ उसको बोलते हैं कि तू काम कर। होता क्या है कि जब मैंने उसको एक से 100 चीज बोली, या जो भी मैंने 100% बोला हुआ है एक कोई काम, तो उसके दिमाग में, मतलब वो सुनता 100% है, और उसको सुनना जो है, मतलब हियरिंग एंड लिसनिंग का मैं फर्क बताता हूं कि सुने आना और सुनना। तो सुना ही उसको पूरा आता है 100%, मगर उसको जो समझता है वो हो सकता है कि 50% समझाऊंगा उसको, या 40% समझाऊंगा, मतलब जो भी उसको समझता है और वो बोलता है हाँ मेरे को समझ में। तो हम ये नहीं करते कि जब हम किसको काम बताते हैं, सौंपते हैं, तो हमारा ये काम है कि उसको पूरा लैंड हुआ कि नहीं हुआ,
उसने पूरा सुना कि नहीं सुना, उसको उसने पूरा उसको समझा कि नहीं समझा, ये काम मेरा है। और फिर समझो उसको, हाँ वो क्या होता है कि वो ऐसा दिखेगा, मैं मतलब पूछूंगा तो बुरा दिखूंगा, या मैं अकलमंद में ऐसा लगूंगा, मतलब इसलिए क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति पूछता ही नहीं, हाँ तो करेगा ये काम, हाँ करेगा, ऐसा बोल के समझ में, हाँ समझ में, समझ में, ऐसा बोल के वो निकल जाता है, काम करने लग जाता है। तो जिम्मेवारी मेरी है कि उसको काम समझा कि नहीं समझा, और कितना समझा, जो मैंने बोला उतना ही समझा कि नहीं समझा, उसके दिमाग में से और वो उसको मीनिंग लगाएगा, अर्थ लगाएगा, और उसको जैसा अर्थ समझ में आया वैसा वो काम करेगा क्या, मतलब इस तरह से मैंने पहले देखना चाहिए कि भाई मैंने जो बोला उसने वो किया कि नहीं, सॉरी उसको समझा कि नहीं समझा। फिर इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए कि सिर्फ वर्बली, सिर्फ मुंह बोले ना बोलते हुए मैंने उसको लिख के देना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में जो है वो करेंगे बिना लिखे दिया। उस दिन ऐसा हुआ कि मैं, हम कोई विजिट को बाहर गांव गए थे, हम अक्सर विजिट करके बाहर गांव गए थे, तो मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला कि जाओ तुम मेरे लिए एक कप चाय लेके आ गए, तो एक कप चाय लेके आ गया, और मैंने बोला उसको प्योर चाय लेके आना, अच्छी चाय, और पूरे कप लेके आ। अब वो गया और उसने 15 मिनट में पूरा कप चाय लेके आया, मगर पूरा कप कौन सा कप, एकदम छोटा जो मिलता है, उससे छोटा कप ही नहीं मिलता, प्लास्टिक का छोटा सा, वो जो एक घोट में हम चाय पूरा पी सकते, उतना उसने चाय मेरे लिए लाया। मतलब उसको, उसके दिमाग में तो पूरा कप मतलब वो कप है, मेरे दिमाग में था कि बड़ा कप पूरा होना है मेरा। तो होता क्या है कि जब हम इसको कुछ बोलते हैं तो उसके दिमाग में जो उसको समझ है, उसको जो थिंकिंग है, उसके जो थॉट प्रोसेस है, विचारधारा जो है, उसमें उसका वो मिलन करके जो समझ में आया वो काम करेगा। फिर दूसरा महत्व का है तीसरा, वो यह है कि भाई लोग जो, हम लोगों के ऊपर काम क्यों नहीं सौंपते, क्योंकि लोग जिम्मेवारी से काम नहीं करते, लोग जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि समझो मैंने किसी को काम बोला और उसने वो गलत किया, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बहुत डांटता हूँ, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, बराबर किया नहीं, ऐसा वैसा, तो लोग उसको डरते हैं, जो अपने असिस्टेंट है या जिसके ऊपर काम सौंपते हैं, कि नहीं जान लो उससे अच्छा अपन काम ही नहीं करेंगे, या फिर क्या करेंगे वो, कि वो थोड़ा सा काम करेंगे, आके पूछेंगे अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो, मतलब बार 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 आके पूछेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि बार बार पूछने से ऐसा है कि जाके मैं काम करूँ, क्योंकि अपना दिमाग तो लगाता नहीं, और लोग अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अपने अपना दिमाग लगाया गलत हुआ तो फिर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो उससे अच्छा है कि भाई मैं बार 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 पूछू। मैं अक्सर उनको ये बोलता हूँ मेरे स्टाफ को कि यहाँ तुम छोटी छोटी चीज के लिए मेरे पास में आते हो पूछने के लिए, आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते, आपके घर में जब कुछ काम होता है तो आप मुझे पूछने आते क्या, बोले घर में आप थोड़े रहते हैं, हमको तो करना पड़ता है, हमको चिल्लाने वाला भी कोई नहीं रहता, हम गलती किए तो गलती किए, यहाँ चिल्ला दे करके हम जवाबदारी लेते हैं। तो हमने लोगों को ये बताना कि हमारे, हमारा जो स्टाफ है या जो भी हमारे साथ में काम करते हैं, तो काम करो जिम्मेवारी लो, गलतियां करो, और जितनी गलती आप करोगे उतना अच्छा है, सिर्फ एक ही बात है कि वही गलती दोबारा नहीं करना, जो गलती करेंगे तो सीखेंगे। तो हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि गलती करो, गलती करो बहुत अच्छा है, मगर दोबारा गलती मत करो, क्योंकि गलती करेंगे तो सीखेंगे। तो लोगों को गलतियां करने दो, उनसे फीडबैक टाइम पे लो, और ये जब हम करते हैं और राइटिंग में हम देते हैं उनको, वे लिख के देते हैं, तो लिख के देने के बाद में उसको क्या समझ में आया वो उसको पूछते हैं कि भाई तेरे को क्या समझ में आया बताओ, तो बताएगा, और वो भी लिखने के बाद में ये स्टेप्स है, इतना इतना काम तेरे को करने का है, ऐसा करके उसको यदि भेजते हैं तो काम बराबर होगा। दूसरा और ये होता है कि किसके ऊपर हम काम सौंपते क्यों नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि उसके ऊपर सुपरवाइज हमको करना पड़ेगा, मतलब उसका, उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, देखरेख करना पड़ेगा। तो एक तरीका होता है कि लोगों को काम सौंपना और हर चीज में उसको डायरेक्शन देना, हर बातों बातों पे डायरेक्शन देना और उससे काम करवा के देना, उससे ग्रिल मिलकर नहीं। दूसरा यह है कि उसके, उसको काम सौंपना, रिजल्ट क्या चाहिए, उसका आउटकम क्या है, ये उसको बताना कि ये रिजल्ट मेरे को चाहिए, अब काम कैसा कर तू देख ले, तू तेरा दिमाग लगा, तेरा दिमाग लगा, और फिर वो काम कैसा करना देख ले, मुझे रिजल्ट ये चाहिए, कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे पूछ, मैं वहां खड़ा हूं, तो जरूरत पड़ी तो मैं हूं, तब तक तू अपना दिमाग लगा काम। ऐसा बोले जाता है कि द लोएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज टेलिंग द पर्सन हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाट टू डू, ऐसा लोएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, करना क्या है,
हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, मुझे ये रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट्स जो चाहिए वो ऑनेस्टी से चाहिए, विदाउट मैनिपुलेशन चाहिए, विदाउट कटिंग कॉर्नर्स चाहिए, ऐसे रिजल्ट मुझे चाहिए ऐसा उसको बोलेगा तो फिर वो काम करेगा। तो इसलिए जब हम लोगों को डेलीगेट करते हैं, लोगों के ऊपर काम सौंपते हैं तो हमारा काफी समय उसमें बच सकता है, फिर हमारा काफी समय बचा उसमें तो हम और कुछ अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं। और समझो मेरे पास में 5 लोग हैं और हर व्यक्ति 8-8 घंटे काम कर रहा है तो 40 घंटे का काम होगा और मेरे 8 घंटे का अलग। तो इस तरह डेलीगेट करना बहुत अच्छा है। सो ऑलवेज डेलीगेट डेलीगेट एंड डेलीगेट, जितना डेलीगेट कर सकते हो उतना डेलीगेट करो, उनको फीडबैक उनसे लो, कौन से समय पे फीडबैक लेंगे वो उसको समय बताओ, गलती क्या तो कोई चिल्ला चीखने का नहीं है, मगर एक ही गलती दोबारा नहीं होने दी है, जितने बार आप लिख के दे सकते हैं वो लिख के काम उसको दो, उसको समझा के दो, क्या समझा उसको पूछो, ये स्टेप्स देखिए, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके सामने जो लोग काम कर रहे हैं वो बराबर काम करेंगे। कुछ कुछ लोग उनके पास में ये भी रहता है कि एक कार्बन कॉपी रहती है, मतलब उसको काम लिख के देना, उसके हाथ में कार्बन कॉपी सौंपना, मतलब एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी उसके हाथ में सौंपना, एक कार्बन कॉपी अपने पास में रखना ताकि हमको भी मालूम रहता है कि हमने उसको क्या काम सौंपा है। तो उसको एक कॉपी उसके पास में, एक कॉपी मेरे पास में, उसको ये काम इतना इतना करके आने का है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और हमारा समय काफी बच सकता है। और जिनको जिनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है उनके लिए एक ही लेसन है, तो डेलीगेट 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 एंड डेलीगेट, लोगों के ऊपर काम सौंपो, लोगों के ऊपर काम सौंपो, लोगों के ऊपर काम सौंपो। और जानकारी है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में काफी सारे वीडियोज है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आप फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वेबसाइट के ऊपर आपको काफी सारे वीडियो की लिंक मिलेंगी और हमारी जो और जानकारी है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कुछ सवाल है तो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।